आगे हार जा, तन मन अपना वार जा। बोलिए भाई है, मेरा अपना भाई सो रहा है अभी, सर भी बहुत गर्व है, लेकिन आप कौन कौन गाएंगे मेरे साथ, गाओगे? अब मैं हाथ उठाना, देखा देखी, जो जो गाएंगे वो गाएं, जो नहीं गाएंगे सुने, विश्वास जगेगा और मुझे विश्वास है आप भी गाओगे। इसके आगे हार जा, तन मन अपना वार जा। बोलिए डिप्रेशन और बूम ये नहीं रहेगी, हमेशा स्टेबिलिटी रहेगी, हमेशा इसकी कृपा बड़े भी बड़े कम नहीं है। ये मेरी नजर में इस लाइन का मतलब है कि जिंदगी भर काम देगा सावरा मेरा, जिनके हाथों में इसकी दीवी शक्ति बची हुई है, उठा लो अपने हाथों को, जोर से तालियां मिल बजाना, प्रेम से तालियां बजा कर गाना। भक्ति के क्यों दर पर कर भरोसा शाम तक, भक्ति के क्यों
करने वाला जोकर नहीं होता, हर कर्तव्य करने वाला, हर कर्तव्य करने वाला जोकर। और ये मालिक का दरबार है, यहाँ आनंद लेने से आता है, क्योंकि आनंद किसी के बाप का नौकर नहीं होता। ये जगह भजन के बाद लगाओगे, कौन कौन बजा सकता है इसके नाम की तालियां? ये बात से खुश हो जाए। देखो गारंटी किसी बात की नहीं है, अलग गारंटी तो किसी बात की नहीं है। इंसान के मुंह से निकली हुई बात की कोई गारंटी हो ही नहीं सकती, पर हम कोई संत महात्मा तो है नहीं, विश्वास से किस किस पे? आप लोगों के तरह टेलिया बन सकता हूँ, ऐसे लोग भजन गाते हैं तब कलकत्ता की धर्मशाला में आने लगता है, कलकत्ते वाले के बीच में भजन गाते हैं। और गाकर देखे प्रेमी, आपको लगेगा आपने कुछ किया है, मेरी वाहवाही करोगे कोई फायदा नहीं है। ऐसा कुछ करके जाओ कि आपके जाने के बाद जब वापस आप आओ तो बाबा आपकी वाहवाही करे। तालियां बजाओ। बहुत चिंतन ये मन फिर भी कर थोड़ा भजन, बोलो बोलो दोनों।
के सामने। देखो जो इसके सामने हारते हैं ना वो जग में जीत जाते हैं। उठा लो एक बार हाथ को। कौन है तेरा यहाँ ना किसी से आस कर, कौन है तेरा यहाँ ना किसी से आस कर। कोई भी नहीं, कोई भी ये है तो सब है, ये नहीं तो सब इसकी कृपा की वजह से ही तो है। कौन है तेरा यहाँ ना किसी से आस कर। अभी आपको गाना है फिर बजाएंगे। एक बार दो लाइन बिना साज के सारे गाने मैं भी गाऊंगा, आप भी गाना। बगल वाला नहीं गा रहा हो तो उससे रिक्वेस्ट करना, बैठे ही हो गा लो। मारा खाटू का राजा बोलिए। और आराम से धीरे धीरे मन का टुका कितने भक्त दो दिन से आ रखे खाटू, पांच दिन से कौन कौन आ रखा है? सारे लगभग पांच दिन से तो आ ही रखे, पांच दिन तक दर्शन किए, लाइन लगाई, तेरी गलियों में घूमे। 17 किलोमीटर सिर्फ नहीं चले बाबा, एक दिन में 5-6 किलोमीटर खाटू में भी तो चले हैं। भजन सुने, भजन सुनाए, तालियां बजाई, हाथ उठाए, नाच कर दिखाया, अब खाली हाथ सगा पेड़ भरे रहे। खाली हाथ
नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसी वैसी चीज भी लेकर क्या लेकर जाएंगे? अब बाबा देखो थक गए, तुम तो सेठ हो, हम थोड़ा थके हैं, इसलिए नींद ऐसी दिलाना कि हाँ सारी थकान दूर हो जाए। माने गुदिया में खिला रे, तू तो बेगो बेगो आप सभी भक्तों को बहुत सारी बधाई। ये जितने भी भक्त यहाँ पर हैं, ये पूरा परिवार प्रेम मंडल का इतना आनंद यहाँ आता है, तृप्ति हो जाती है। एक बार जरा उठाओ तुम हाथ, जोरदार ताली बजाओ जोरदार। और सिर्फ हमें दुख नहीं होता है जब हम बाबा के दरबार से जाते हैं, उसको हमसे ज्यादा होता है। कहता है बावड़ा मत ना जाके के जीना भरो, बावड़ा मत ना जाए के जीना भरो। फिर उसको समझ में आ जाते हैं कि परिवार भी मैंने ही दिया है, जाना तो थोड़ो कारोबार होना, जाना तो बोलता है बाबा जा तो रहे हो है, पर सुन बेगो बेगो आजे, बेगो बेगो आजे कि जी ना भरो, बावड़ा मत ना जी। देखो खाटू में अगर आपको कभी धक्का लग जाए, मुक्का लग जाए, कोई उठपटांग कह दे, पलट के जवाब मत देना। एक बार हमारे जितने भाई बैठे उनके लिए जोरदार स्वागत भैया, आशु भैया, राज और चित्र मनीष भैया, ये जितने भी भाई हमारे बैठे, हक है हम सबका बाबा का। जब कोई खाटू के अंदर कर दे तो छोड़ दो, वो भी प्रेमी मैं भी प्रेमी बड़ा भाई समझ के छोड़ देना। लेकिन खाटू के बाहर अगर कोई अहम दिखाए, कोई पैसों का रोब दिखाए या स्टेटस का रोब दिखाए, तो उसे कह देना मने आँख ना दिखाओ, इमे पाप ना आगे आँख ना दिखाओ, इमे पाप लागे, इमे क्यों डर रहे हो? मने आँख ना दिखाओ, इमे पाप लागे। भैया के घर में कीर्तन था और श्रृंगार इतना गजब था, इतना विशाल दिख रहा था ना बाबा, कि लग रहा था यार हाँ देखे दिल खोल के। तो ऐसे नहीं होता कि ले लिए बैठ, भागना आया तो लिखना ही पड़ेगा भजन, ये कोई बात नहीं है, ये इसकी कृपा है। और इसकी कृपा से जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और लंबा स्टेबिलिटी रहती है। एक बार सिर्फ गाओ मेरे साथ, मने आँख ना दिखाओ अइया पाप लागे, मने आँख ना दिखाओ अइया पाप लागे। बार बार कोई पूछे है कौन तू, है कौन, तेरी पहचान क्या है, मेरे सामने खड़ा होकर ऐसी बातें कर रहा है, तो बोल देना सुनो हरे सेठ जी रो सेठ मानो पाप लागे, हरे सेठ जी रो सेठ मानो पाप लागे। एक बार एक जोरदार जयकार बोली खाटू नरेश की, शुभिया दरबार में।